रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार संगठन ने नवीन कार्यकारिणी के सम्मान समारोह में जीएसटी की धारा 16 का पुरजोर विरोध किया, साथ ही संघर्ष की दी चेतावनी। अयोध्या के रामनगरी में जमीन के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल, बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों को बेची जा रही सरकारी जमीन। बदायूं में 101 लीटर गंगा जल से किया जाएगा जलाभिषेक, कछला घाट से पटना देवकली जा रहे कांवड़िए। अलीगढ़ में एएमयू में गोली लगने से नाराज छात्रों ने बाबे सैयद गेट बंद कर किया प्रदर्शन, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। बदायूं में तेजी से चल रहा है कालाबाजारी का खेल, ई रिक्शा में लदे मिले राशन के 15 कट्टे, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर पुलिस को दी सूचना। बुलंदशहर में बजरंग दल कोतवाली प्रभारी पर अभद्रता और अपमानित करने का लगाया आरोप, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। अलीगढ़ में भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पंडित केशव देव को मिली थी धमकी। बदायूं में पुलिस ने कांवड़ियों के संग निकाली तिरंगा यात्रा, थाना कादर चौक में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बुलंदशहर में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव, पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं के राष्ट्रध्वज वितरण की रैली निकालकर तिरंगा यात्रा। बरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कांवड़िए झुलसे, घटना से मौके पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप, सभी कांवड़ियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरुखाबाद में विकास मंच को घर घर पहुंचाने की पहल, जिलाध्यक्ष ने मुहिम का किया आगाज। गाजीपुर में शातिर पशु तस्कर और गाजीपुर पुलिस की हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दो अन्य पशु तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद में पेंट बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर हुआ खाक। गोंडा में मुहर्रम पर याद किए गए पूर्वजों की कुर्बानी, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। हरदोई में दरोगा की टोपी लेकर उछल कूद करता दिखा बंदर, थाने में जारी है बंदरों का उत्पाद, वीडियो हो रहा वायरल। गोंडा में सावन माह के आखिरी सोमवार के अवसर पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। हरदोई के रास्ते में कूड़ा डालने पर मना करने पर दबंगों में लाठी डंडे चले, जमकर हुआ हंगामा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा और बसपा पर किया वार, कहा ये योगी सरकार है जहां अपराधी पर कानून का हथौड़ा चलता है। मैनपुरी में बेवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के मामले में 6 आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा में महिला से अपशब्द बोलने का वीडियो वायरल, वीडियो में महिला और उसके परिवार को गाली दे रहा श्रीकांत त्यागी। आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, अभिनव विद्यालय दादूपुर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे छात्र छात्राएं। सिद्धार्थनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी, छापेमारी के दौरान पकड़ा गया नकली पनीर, चौधरी ढाबे पर की गई कार्रवाई। सुल्तानपुर जिले में बन रहा 30 बेड का अस्पताल, लापरवाही देखकर सदर विधायक ने मातहतों को लगाई फटकार। मैनपुरी में सपा जिला अध्यक्ष की ब्रीजा कार को कंटेनर मारी जोरदार टक्कर, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो हो रहा वायरल। मुरादाबाद में वाम मोर्चा ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, बिजली की बढ़ी दरों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। मैनपुरी में आजादी के 75वें महोत्सव पर तिरंगा रैली का हुआ आगाज, भाजपा नेता जयपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। हरदोई में बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, क्रेन पर 50 फीट ऊपर किया डांस, बम भोले के लगे जय घोष। आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का किया निरीक्षण। अलीगढ़ में सावन के आखिरी सोमवार में शिवालयों पर लगा भक्तों का तांता, विश्व प्रसिद्ध मंदिर पर लगी भक्तों की कतारें।
आगरा में राष्ट्र हिंदू परिषद के अध्यक्ष का विवादित बयान। अध्यक्ष गोविंद ने कहा, जब तक ताजमहल पर तिरंगा नहीं लहराएगा तब तक तिरंगा नहीं लहराएगा। अमेठी में युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। दुकान में मिला युवक का खून से लथपथ शव। मौके पर एएसपी समेत कई थानों की फोर्स मौजूद। अररिया में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। दुकान खोलने के दौरान शटर में उतरे करंट से हुई मौत। मौके पर पुलिस पहुंची। बुलंदशहर में बस चालक से झड़प और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झड़प के बाद रोडवेज कर्मियों ने बस चालक की कर दी पिटाई। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। फरुखाबाद में गंगानगर के सभासद और उसके भाई के साथ हुई मारपीट। सभासद अभिषेक अग्निहोत्री के बड़े भाई का कुछ लोगों से हुआ था मामूली विवाद। बुलंदशहर में टाटा मैजिक के ड्राइवर के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में इंस्पेक्टर नीरज यादव का मानवीय व्यवहार। थाना अध्यक्ष ने सुनी लोगों की समस्याएं। विकलांग फरियादियों के साथ जमीन पर बैठकर सुनते समस्या। हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बेखौफ दबंगों ने युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। गोली मारकर हत्या। मौके से हुए फरार। बुलंदशहर में डाले को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में लगभग 6 से अधिक लोग घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। कानपुर के गंगा में छलांग लगाकर दे रहे मौत को दावत। गंगा में छलांग लगाते समय गिरने से हो सकता है कोई बड़ा हादसा। लखनऊ में पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल डीजल में पानी मिलाने का लगा आरोप। ग्राहकों ने तेल में मिलावट देखकर पंप पर काटा हंगामा। हमीरपुर में सर्प के डसने से छात्रा की हुई मौत। रात में सोते समय छात्रा को सांप ने डसा। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र में शराबियों का आतंक। सत्संग में जा रहे दंपत्ति के साथ आधा दर्जन शराबियों ने की मारपीट। लखनऊ में अय्याशी का अड्डा बना सिविल अस्पताल। अस्पताल में बेल्टबाजी का वीडियो आया सामने। अस्पताल के कर्मचारी ने रात भर किया पार्टी। मुरादाबाद में सावन के अंतिम सोमवार को शिव मंदिरों में दिखा श्रद्धालुओं का हुजूम। जय भोले के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर मौत। सूचना पर पुलिस पहुंची। लखनऊ में बिजली विभाग का बड़ा प्रदर्शन। पावर सेक्टर बचाओ देश बचाओ बैनर तले हो रहा प्रदर्शन। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 के विरोध में कर रहे प्रदर्शन। शाहजहांपुर में सावन के आखिरी सोमवार को शिवजी के जयकारे से गूंज उठा शिवालय। शिवालय में भक्तों ने किया जलाभिषेक। श्रावस्ती में सावन महीने का अंतिम सोमवार में शिव मंदिरों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मंदिरों पर भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन अलर्ट। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर श्रद्धालु गाड़ी ट्रक में घुसी। 18 लोग घायल। लखनऊ के पिकअप भवन में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेरिट को लेकर अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप। यूपीएससी का परिणाम 6 तारीख को हुआ था घोषित। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 सगे भाई बहनों की मौत। परिजनों के अनुसार जहरीला कीड़ा काटने की वजह से मौत। गोरखपुर में प्रभारी मंत्री समूह ने किया मलिन बस्ती और काना उपभवन का निरीक्षण। पानी की निकासी और व्यवस्था ठीक न मिलने पर जताई नाराजगी। मेरठ में बच्चों ने अमृत महोत्सव किया सेलिब्रेट। हाथों में तिरंगा लेकर विजयी विश्व तिरंगा गाया। सिवाय टोला में बांटे तिरंगे। मथुरा में हेमा मालिनी ने की शिव आराधना। ब्रज की मिट्टी से बनाया पार्थिव शिवलिंग। 1,51,00,000 शिवलिंग बनाए जा रहे। अयोध्या में खतरे के निशान पर पहुंचे सरयू का जलस्तर। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा। मौसम में भी बदलाव। मंत्री राकेश सचान ने किया सरेंडर। कानपुर कोर्ट में फैसला सुरक्षित। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। दोषी करार होने पर अदालत से भागे थे। यूपी में फिर मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध केस। लखनऊ में 5 साल के बच्चे में दिखे संदिग्ध लक्षण। जांच के लिए केजीएमयू भेजा सैंपल। मुख्यमंत्री ने की हर घर तिरंगे की अपील। फिरोजाबाद के प्रधान ने तिरंगा रंग में पुतवा दिया गांव के सभी सरकारी हैंडपंप और विद्युत पोल। लखीमपुर खीरी के छोटी काशी गोला पहुंचे डीएम। एसपी मंदिर जाने वाले मार्गों का किया पैदल भ्रमण। दोनों लोगों ने पूजा अर्चना भी की।
औरैया की देवकली में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, कानपुर देहात से दौड़ लगाकर आए अग्निवीर की तैयारी कर रहे छात्र, मांगी मन्नत। अंबेडकर नगर में बनेगी आयुष वाटिका, औषधि पौधे, जड़ी बूटियों और मसाले के पौधे लगाए जाएंगे। देवरिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नृत्य का वीडियो वायरल, बीएसए ने कहा ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए। एबीवीपी ने घेरा बीएचयू का सेंट्रल ऑफिस, छात्रों ने 50% फीस वृद्धि वापस लेने की मांग रखी। हापुड़ में चोरों का आतंक, दो दुकान समेत तीन जगह पर लाखों का माल किया सास, सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत में सावन के सोमवार में बढ़ी मंदिरों की सुरक्षा, शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी। आगरा में तिरंगा रैली का शुभारंभ, सीएम योगी ने किया भाजयुमो के प्रशिक्षण वर्ग, कार्यक्रम में पहुंचे योगी, युवाओं में दिखा उत्साह। गाजीपुर में अवैध हॉस्पिटल चला रही थी डॉक्टर, बच्चे की मौत के बाद प्रसूता को बनाया बंधक, एसडीएम ने सीज करने के दिए निर्देश। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल की पत्नी और नातिन का मर्डर, मेरठ में मकान के अंदर मिले शव, शरीर पर घाव। बिजनौर में कुकर्म में असफल होने पर बच्चे की हत्या, आरोपी ने गला दबाकर मारा था, जंगल में मिला शव। गाजियाबाद में सूटकेस में प्रेमी की लाश ले जा रही प्रेमिका गिरफ्तार, 4 साल से लिव इन में रह रहे थे, शादी से इनकार करने पर काटा गला। सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों ने विकास भवन में धरना प्रदर्शन किया, 190 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने को लेकर हंगामा। शाहजहांपुर में शराब के नशे में होमगार्ड का हंगामा, पट्टी वर्दी में ड्यूटी करने पहुंचा, स्टाफ के साथ भी गाली गलौज की। शामली में रालोद का मिल पर धरना, गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। संभल में बीजेपी नेता ने सपा सांसद सफीकुर रहमान बर्क को बताया गद्दार, राकेश सिंघल ने कहा लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।